हेलो दोस्तों, गेट्स मैशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस डिलीवरी मॉडल्स या वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बेसिकली हमारे पास तीन सर्विसेज आती हैं, SaaS विच इज अ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, PaaS विच इज अ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, IaaS विच इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इन तीन सर्विसेज के नेम्स आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं इसको पूरी डिटेल में रियल लाइफ एग्जाम्पल से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये तीन सर्विसेज होती क्या है और किस सिनेरियो में हम कौन सी सर्विस को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि इनके बीच में मेजर जो डिफरेंस है, जो की डिफरेंस है, वो क्या होता है। तो अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करें, लेट्स से अगर आप चाहे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, आपने आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ये चीज फेमस हुई पड़ी है, वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मतलब आपने वेबसाइट बनानी है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है। लेट्स से कि आपका एक डिजाइनर कपड़ों का शोरूम है और वो एक पूरे एरिया में या एक पूरे शहर में बहुत ज्यादा फेमस है, बट आप उसको वर्ल्ड वाइड फेमस करना चाहते हो। तो अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फेमस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली वेबसाइट डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। मतलब आप एक वेबसाइट बनाओगे, लोग पूरी दुनिया में उस वेबसाइट को देख सकते हैं और वो ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। तो यहां पे यहीं से की पॉइंट जो है वो स्टार्ट होता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता कि कैसे हमने वेबसाइट बनानी है, कौन सी कोडिंग होती है, क्या इसमें होता है, कैसे वेबसाइट को होस्ट करते हैं, कैसे फ्रंट एंड बैक एंड बनाते हैं, कुछ नहीं आइडिया, तो आप सिंपल एक थर्ड पार्टी को बोल दो, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को बोल दो कि हमारे लिए सब कुछ करके दे दो। मतलब फ्रंट एंड बनाओ जो लोगों को दिखेगा, बैक एंड बनाओ जो डेटाबेस होगा और उनकी कनेक्टिविटी वगैरह सब काम करके देंगे। वो एक्चुअल में आता है किसके अंदर? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मतलब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपको बना के देंगे। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के बारे में अगर हम बात करें, आपको पता है कि कोडिंग कैसे करनी है। मतलब आपको लेट्स से पीएचपी की कोडिंग आती है, .NET की कोडिंग आती है, आपको पता है कि डेटाबेस कैसे बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको कंपाइलर चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सारा कुछ आप क्या करोगे? आप क्लाउड सर्विस से ले लोगे। मतलब प्लेटफॉर्म जैसे .NET का आपने प्लेटफॉर्म में लिया, आपने वेबसाइट बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में लिया, गूगल का ऐप इंजन आपने ले लिया। मतलब आपने उसमें क्या करना है? अपनी कोडिंग को यूज करके वहां पे उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट को या ऐप को बनाओगे। तो यहां पे ये कौन सी बन गई? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसमें कुछ काम आपका लेकिन मेजर पोर्शन बाकी वेंडर का, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IaaS में क्या है कि आपको पता है कि कोडिंग कैसे करनी है, प्लेटफॉर्म भी आपके पास है, आपने पूरी की पूरी ऐप बना दी, आपने पूरी की पूरी वेबसाइट बना दी, लेकिन उस वेबसाइट को अब क्या करोगे? होस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्टोरेज चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए, आपको वहां पे पूरा का पूरा जो बैक एंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सिर्फ क्लाउड वालों से ले लोगे, बाकी का काम आपने आधा कर चुके हो। तो ये बेसिकली तीन डिफरेंस है किसमें? SaaS, IaaS और PaaS। लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन से टाइप्स इसमें आते हैं और एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इस डायग्राम से आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑन प्रीमिसेस। ऑन प्रीमिसेस में हमारे पास जैसे एप्लीकेशन मतलब जो भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, चाहे वेबसाइट बनाना चाहते हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हो या फिर आईफोन की एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जो भी एप्लीकेशन, उससे रिलेटेड डेटा है। रन टाइम का मतलब क्या होता है? लाइक कंपाइलर, जहां पे हम प्रोग्राम को, कोड को रन करते हैं। मिडलवेयर क्या है? मिडलवेयर है यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो कनेक्शन को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास मिडलवेयर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअलाइजेशन है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सबसे मेजर रोल है यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का होता है, जहां पे हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट की बजाय हम वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट को यूज करते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी क्लियर किया था कि जैसे हम अपने लैपटॉप्स में वर्चुअल मशीन्स को यूज करते हैं ताकि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल हम यूज कर सकें, तो वहां पे हमारे पास क्लाउड में भी सेम इसी तरीके से एनवायरनमेंट हम यूज करते हैं। सर्वर्स है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है। तो ये मेनली हमारे पास ये सर्विसेज है। और यहां पे अगर हम बात करें ऑन प्रीमिसेस का मतलब क्या है कि ये सारी की सारी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी। देखो, यू मैनेज का मतलब है कि जो एप्लीकेशन बनाना चाहता है, जो कंपनी वाला बंदा खुद ही अपना सारा कुछ क्रिएट करेगा। और यहां पे अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो देखो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या है कि एप्लीकेशन से लेके पूरे के पूरे सारी चीजों को, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, सारा कुछ कौन मैनेज कर रहा है? थर्ड पार्टी, मतलब जो क्लाउड सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है
वही सब कुछ मैनेज करेगा। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सबसे मेन एग्जांपल आता है गूगल की एप्स, जो आप गूगल डॉक्स को यूज करते हो, ड्रॉप बॉक्स को यूज करते हो, ये सारी की सारी क्या है, ऑलरेडी सब कुछ इन बिल्ट है, मतलब सॉफ्टवेयर सारा बना हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको यूज करना है, जो आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना है। तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जैसे कि मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन और डेटा, मतलब एप्लीकेशन आप बना रहे हो, डेटा आप क्रिएट कर रहे हो, लेकिन वो एप्लीकेशन आप कहां पे, किस प्लेटफॉर्म पे बना रहे हो, वो कौन प्रोवाइड करेगा आपको, क्लाउड। तो यहां पे रन टाइम, रन टाइम का मतलब है जो आप कोड लिख रहे हो उस कोड को रन करने के लिए कंपाइलर चाहिए, उस कोड को रन करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, हार्डवेयर, तो ऑब्वियसली ये सारा का सारा कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, क्लाउड प्रोवाइडर। तो यहां पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जो सबसे मेन एग्जांपल आता है आपका विंडोज एज्योर। तो विंडोज एज्योर जो है वो बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पे आप अपना यूज कर सकते हो। इवन जो AWS है, Amazon जो सर्विसेज है, वेब सर्विसेज, वो भी आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का भी एग्जांपल है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या है कि आपने खुद एप्लीकेशन को डेवलप कर लिया अपने प्लेटफॉर्म पे, सारा कुछ आपने डेवलप कर लिया, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, उसको होस्ट करने के लिए, उसको रन करवाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप किससे ले रहे हो, वो आप क्लाउड से ले रहे हो। तो एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम इसको डिस्कस करें, लेट्स से कि आपको अगर पिज्जा खाना है तो आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन आपके पास क्या है, आप सिंपली ऑर्डर कर दो पिज्जा को, मतलब डोमिनोज पे या पिज्जा हट पे आप ऑर्डर कर दो, तो उसमें क्या बनाएंगे, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कौन से डिवाइस उसमें यूज होंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आप सिर्फ पेमेंट करो, डिलीवरी से लेके सब कुछ जो है वो कंपनी खुद मैनेज करेगी। तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली फिर ये ज्यादा कॉस्टली ही आपको पड़ेगी क्योंकि इसमें सारा कुछ क्लाउड ही मैनेज कर रहा है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या हो गया कि लेट्स से आपने अपना मटेरियल परचेज कर लिया, मतलब आपने जो भी उसमें डलवाना है, वेजिस वगैरह, जो भी मेयोनीज, आपने खुद उनको प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन बनाएगा कौन, क्लाउड, मतलब जो शेफ उनका होगा, यहाँ पे शेफ उनका होगा, सामान आपका तो शेफ भी उनका, उनका ही सारे के सारा सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर यूज होगा, हार्डवेयर का मतलब जैसे ओवन वगैरह या स्टोरेज, जो भी रेफ्रिजरेटर, सारा का सारा उनका यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से लेस कॉस्टली है। रीजन उसका कि इसमें कुछ आप भी कर रहे हो, मतलब सामान तो आपने दे दिया, अब इसमें आपको लेट से वेजी पिज्जा चाहिए था, तो वेजी में कौन कौन सी वेजिटेबल्स आप देना चाहते हो, कौन कौन सी वेजिटेबल्स आप टॉपिंग्स डलवाना चाहते हो, आपने उनको पहले ही मार्केट से परचेज करके दे दी, लेकिन शेफ उनका, वो अपने हिसाब से बनाएंगे, हार्डवेयर उनके यूज होंगे। थर्ड आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या है कि आपने सारा सामान परचेज कर लिया, उसके अलावा बनाया भी आपने, मतलब पिज्जा बेस आपने परचेज किया, पिज्जा के ऊपर जो भी आपने डलवाना है वो सारा कुछ आपने बना के, और शेफ भी आप ही हो, मतलब डेवलपर जो है वो आप खुद हो, लेकिन उस पिज्जा को पकाने के लिए ऑब्वियसली आपको जो ओवन वगैरह चाहिए, जो रेफ्रिजरेटर, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये सबसे लीस्ट कॉस्टली है एज कंपेयर टू अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये इन तीनों का जो मेजर डिफरेंस, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑन प्रीमिसेस तो सबसे ज्यादा कॉस्टली है। सबसे ज्यादा कॉस्टली इसलिए है क्योंकि आपको ये सारे डिवाइसेस को परचेज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको अगर ये परचेज करके सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा, मतलब आप अपने खुद का डोमिनोज घर पे बना रहे हो, तो ऑब्वियसली ये तो सबसे ज्यादा कॉस्टली है ही। तो इसलिए ऑन प्रीमिसेस को हम कम यूज करते हैं, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो आपके गूगल के जितनी भी एप्स है वो आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ले सकते हो। अमेजोन का जो हमारे पास EC2 है, या फिर हमारे पास अमेजोन की वेब सर्विसेज जो है AWS है, वो आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में भी ले सकते हो। और अगर हम बात करें विंडोज एजोर को, तो वो भी आपका प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रैक स्पेस का यूज होता है, और इसके अलावा अमेजोन की सर्विसेज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको सारा का सारा जो इंस्टांस बनाने होते हैं, उन इंस्टांसिस को आपको कैसे मैनेज करना है, ये आपको आना चाहिए। और इंस्टांसिस में आपके पास होते क्या है, सर्वर्स वगैरह को आप कैसे मैनेज करते हो, आपको रैम प्रोवाइड की जाती है वो आप कैसे मैनेज करते हो, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। Thank you.